भाई हमारे पास फ्रिज तो है नहीं, बाहर का टेम्परेचर जो है -15 to 20 है, तो बाहर जो है कुदरती फ्रिज है, इस वजह से हमने मसाला लगा के यहाँ पे रख दिया है। अब ये थोड़ा मैरिनेट होगा, फिर इसके बाद ही चैनल। तो गाइस आज हम कैंपिंग के लिए निकल रहे हैं अपने बगी को लेकर, सारा सामान हमने डाल दिया है आप देख सकते हो, और बगी तैयार, विदाउट डेली हम चलते हैं और अपना कैंप लगाते हैं वाइल्ड में। निकल गए हैं अपने सफर पर, बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग और एडवेंचर होने वाला है, बने रहना वीडियो में, दिखाता हूं कहां कैंप करने वाले हम। हमने शायोग रिवर पार किया और हम इस तरफ पहुंचे हैं, इस जगह को तुरमोन बोलते हैं, तुरमोन। मैं फर्स्ट टाइम यहां पे पहुंचा हूं और कैंपिंग आज करेंगे, आज रात बहुत एंजॉय होने वाला है आज। डेस्टिनेशन पर जहाँ पे हमें कैंप करना है, तो कैंप का लोकेशन कुछ इस तरह से है, पहले से यहाँ पे कुछ चरवाए आया करते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ खंडर बने हुए हैं, और जहाँ से हम आए वो तो दिख भी नहीं रहे कहाँ कहाँ से आए हम, और सामान हमारा उतारा जा रहा है बगी से। तो अभी क्या एक्टिविटीज़ रहती है दिखाते हैं आपको। अब हम जो है अपने सामान को उतार चुके हैं और आप देख सकते हो इस नज़ारे को, बहुत ही प्यारा नज़ारा, और हल्की फुल्की अभी धूप भी खिली है, और अभी इस टाइम तीनों लोग भूखे हैं, कुछ खाएंगे कुछ बनाएंगे, तो इसके लिए मैं बकेट लेके आया हूँ पानी लेने के लिए। तो पानी लेते हैं फिर आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कॉल आ गया है और रिसीव करते हैं, भाई क्या कहता है। हाँ कहाँ बोला भाई, अच्छी तू क्या है, खाना खाने के लिए आना, बस अभी बस यार काम हो गया, अब यार पता नहीं कहाँ चला गया। मौसम का मजा ले रहे भाई, मौसम का मजा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाना, चीता भी था कि खा जाएगा भाई, थोड़ा नजदीक बैठा करो। ठीक है हम कैंप पे आते हैं, चलो जा। तो गाइस आपने देखा वॉकी टोकी हमारे साथ है, ये बहुत बढ़िया रेंज का है, अमेरिकन है, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जब वो यूएस में था तो उसने मुझे गिफ्ट में लाया, काफ़ी काम दे रहा है आज की इस कैंपिंग में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी कमज़ोरी है, तो इस वजह से ये वॉकी टोकी हमारा जो है कनेक्टिविटी के लिए साथ दे रहा है। टाइम देख सकते हो आप कितना बज गया, 4:30 होने वाला है और लंच हमारा इस वक्त हो रहा है। देखो आप सारा सामान तितर बितर है, और जुमा भाई ने जो है आज का लंच चिकन पुलाव बनाया है। तो खाने लगे हैं हम, अब इसके बाद हम अपना जो है शेल्टर वगैरह तैयार करेंगे रात में बसेरा करने के लिए, तो स्टे ट्यून। खाना खा लिया हमने, लंच किया, अब जो है हमें कोई बढ़िया सा ठिकाना जो है ना वो नहीं मिल रहा है कि हम अपना कैंप कहाँ पे लगाएं। वैसे तो ये जगह भी बढ़िया था, यहाँ पे कुछ पहले लोग भी यहाँ पे आके कुछ चरवाहे यहाँ पे आके बैठे होंगे, ऐसा कुछ बनाया है, लेकिन हमारे साथी लोग बोल रहे हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। तो गाड़ी यही भी खड़ी है मेरी बगी, आगे देखते हैं कि बढ़िया सा जगह ढूंढ रहे हैं दोनों लोग, देखते हैं क्या है।
जगह की सर्चिंग हो रही है, स्टिल वी हैव नॉट फाउंड। अब जो है पता नहीं कहाँ एक तबेले में घुस रहे हैं हम। ये आप देख सकते हो, अब यहाँ पे सोचा जा रहा है। हाँ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे। गाइस फाइनली हमने अपने कैंपिंग साइट जो है ना ये ढूंढ लिया है। आप कमेंट्स में बताओ कि ये जगह ठीक है हमारे लिए रात गुजारने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से ये बबूल के कांटे हैं सबक थून के, और हवा का जो है जो हवा आएगा वो भी जो है ना इन पेड़ों की वजह से थोड़ा हमें बचाव करेगा। और सामने जगह काफ़ी बड़ा है तो सामने हम जो है कैंप फायर भी कर सकते हैं रात में। तो अभी जुमा भाई और का गुलामत जो है काम में लगे हुए हैं। इस बिहड़ में हमारा कैम्प यहाँ पे सेटअप हो चुका है और अभी इसके आउटर को अभी लगाना है, यहाँ पे रखा हुआ है, अभी हम इसको लगाएंगे। गाइस हैव अ लुक, अब कैंप हमारा तैयार हो गया है, आप देखो ये रहा हमारा कैंप। इस बीहड़ के बीच में हमारा कैंप है, देख सकते हो कितना ही कोजी बना हुआ है, मजेदार बना हुआ है। देखो गाइस, यस इस वक्त हम रात के लिए लकड़ी जमा कर रहे हैं, कैंप फायर करेंगे, मजा करेंगे भाई। ये आप देख रहे हो इधर से का गुलामत लेके आ रहा है। बगी को भी हमने अपने कैंप के सामने, हमारा कैंप वहां रहा, बगी यहां पे, पहले हम थे वहां पे, अब वहाँ पे जगह ठीक नहीं था तो इस वजह से हम यहाँ आ गए। अब कैंप वहाँ है, गाड़ी भी यहाँ है और कैंप फायर वहाँ होगा भाई। लकड़ियाँ हमने जमा कर ली है, लकड़ी तो कमी नहीं है। रात के खाने का चूल्हा सेटअप हो गया गैस, देख सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही कि ये जल नहीं रहा है मुझसे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, ये जो सबक थून के पेड़ हैं सूख गए ऑलमोस्ट, तो इसके जो छाल है ना, ये छाल, इसके छाल को निकालना है। शाम का बिल्कुल वक्त हो चला है और हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है शयोक दरिया के किनारे थोड़ा सा चिल करने के लिए आए, लेकिन सामने आप क्या देख रहे हो, एक बड़ा सा तूफान जो है ना हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं क्या होता है, तूफान में भी कैंपिंग कर लेंगे भाई, आप लोग साथ बने रहो। रात का समय हो चला है और दिन में तो बड़ा खूबसूरत दिखता है यार जंगल, लेकिन रात होते ही ना बहुत सारी चीज़ें आवाज़ आती हुई सुनाई देती है हमें। शायद आपको वीडियो में क्लियरिटी भी नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरह पूरा जंगल और सामने से मैं चला जा रहा हूँ अपने कैंप की तरफ। मेरे दो साथी उधर आगे की तरफ टहलने के लिए निकल गए,
लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि कैंप पे जो है ना कोई नहीं है, और बाकी तो किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बैक्टीरियन कैमल जो है ना यहाँ घूमते रहते हैं, तो वो आके हमारे खानों को खा जाएगा तो क्या खाएंगे भाई रात में। इसलिए मैं यहाँ से कैंप की तरफ जा रहा हूँ, और एक तो आग भी जला के रखा है, गलती ये कर दी, और ऊपर से तूफ़ान भी उधर से आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। मैं पहुँच गया, ऊपर वाले का करम है कि सारी चीज़ें जो है ना सब कुछ सही सलामत, हमारे सारे सामान यहाँ पे ठीक, टेंट हमारा यहाँ ठीक, और आग बुझ गई थी, आग मैंने लगा लिया, और करम हुआ ऊपर वाले का कि ये तूफ़ान जो आ रहा था, ये स्टॉर्म भी जो है ना वापस चला गया। शायद ऊपर वाले का आज करम है कि भाई बढ़िया से कैम करो, तो हम कर रहे हैं। अभी वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का, वो आ रहे हैं, अभी मैंने उनको वॉकी टोकी से कॉल किया तो वो अभी आ रहे हैं। अभी रात का खाना हम स्टार्ट करेंगे, फिर तंदूरी चिकन बनेगा भाई आज, ये बिहड़ में जंगल के अंदर तंदूरी चिकन बनेगा। बढ़िया से लगाओ मसाला, बढ़िया से लगाओ भाई, मैरिनेट करना है, फिर इसके बाद जाएगा फिर आग पे। भाई हमारे पास फ्रिज तो है नहीं, बाहर का टेम्परेचर जो है -15 to 20 है, तो बाहर जो है कुदरती फ्रिज है, इस वजह से हमने मसाला लगा के यहाँ पे रख दिया है, अब ये थोड़ा मैरिनेट होगा। चिकन तैयार होने को है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा है, हमारे तो आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया बनने वाला है। देखो आप, ये देखिए रस निकल रहा है इसके अंदर से, बहुत बढ़िया पकने वाला है। हमारा खाना तैयार हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तंदूरी हमारी बन रही है, और वीडियो लंबा होने वाला है, टू बी कंटिन्यू, जाइएगा नहीं कहीं। नेक्स्ट जो है व्लॉग में सारा कुछ जो है ना कल का और आज रात का जो हमारा कुछ है प्लानिंग, वो सारा मैं आपको दिखाता चलूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आस पास सफाई रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।